वाट्सअप इमेजस एंड वीडियोज़ आर नाट शोइंग इन गैलरी ऑटोमेटिकली एंड नॉट डाउनलोडिंग ऑटोमेटिकली इन योर गैलरी तो अगर गैस आपका वाट्सअप में कोई भी अगर आपको वाट्सअप पर कोई भी वीडियोज़ या कोई भी फोटोज अगर आपको सेंड करता है तो वो समाइम्स ऐसा कुछ प्रॉब्लम होता है जिसकी वजह से वो ऑटोमेटिकली वाट्सअप में आपके ऑटोमेटिकली डाउनलोड नहीं होता है चाहे कोई भी फोटो या कोई भी आपका वीडियो हो अगर कोई भी फो फ्रेंड आपको व्हाट्सएप पे भेजता है तो ये प्रॉब्लम होता क्यों है, इस प्रॉब्लम का आपको क्या सोल्यूशन निकालना है जिसके बेसिस पर आपको अगर कोई भी फ्रेंड आपको व्हाट्सअप पर कोई भी आपको फोटो या वीडियो सेंड करें तो वो ऑटोमेटिकली डाउनलोड होकर आपके गैलरी में सेव हो जाए तो ऐसे में गई आपको कुछ सेटिंग्स से है जिसका आपको ध्यान रखना है तो सबसे पहले आप देखोगे मेरे हाथ में है दोनों एक राइट साइड में है अलग मोबाइल है और लेफ्ट साइड में अलग मोबाइल है तो यहाँ पर जो मेरा राइट साइड में मोबाइल है रियलमी का जिससे मैं अपने इस लेफ़्ट वाले मोबाइल में एक वीडियो को सेंड करूंगा तो लेट्स से यहाँ पे मैं एक वीडियो सेंड कर रहा हूँ यू कैन सी तो मैंने अपने राइट वाले मोबाइल से अपने लेफ़्ट वाले मोबाइल में एक वीडियो सेंड किया अब देखो जैसे ही मुझे एक वीडियो रिसीव्ड हुआ लेफ्ट वाले मोबाइल में ये वीडियो बिल्कुल भी डाउनलोड नहीं हुआ तो मुझे इसे मैनुअली डाउनलोड करना गाँव उसके बाद ही यहाँ पर ये मेरे गैलरी में सेव होगा तो ये प्रॉब्लम होता क्योंकि अगर आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम हो रहा है और आप चाहते हो कि आपका वीडियो और फोटो वो ऑटोमेटिकली डाउनलोड कि आपके गैलरी में सेव हो तो ऐसे में आपको एक सेटिंग अप्लाई करना है आपको डायरेक्टली जाना है अपने व्हाट्सअप के सेटिंग्स में और यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा स्टोरेज एंड डेटा का आपको इस पर क्लिक करना है और यहीं पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा मीडिया ऑटो तो डाउनलोड का तो यहाँ पर देखो कि तीनों सेटिंग्स जो भी आपको दिख रहा है ये तीनों सेटिंग्स नो मीडिया पर सेट है आपको जाना है हर तीनों सेटिंग्स में और यहाँ पर आपको सारे ऑप्शन को चेक मार्क कर देना है ये जो भी ऑप्शन देख रहा है सारे के सारे ऑप्शन को आपको चेक मा करना है और ऑल मीडिया पे सेट करना है सेम उसी तरीके से यहाँ पे सेकंड सेटिंग में भी जाना है और यहाँ पे भी सारे ऑप्शन को आपको चेक माँ करके इसे सेट कर देना है यहाँ पे भी और उसके बाद थर्ड ऑप्शन में जाना है और यहाँ पे भी जाके आपको इसे ऑल चेक मा कर देना है अब इसके बाद आपका जो प्रॉब्लम है ये पूरी तरीके से सॉल्व हो जाएगा अब उसके बाद अगर आपको व्हाट्सएप पर कोई भी फ्रेंड आपका फ़ोटो या वीडियो अगर आपको सेंड करेगा तो वो ऑटोमेटिकली डाउनलोड होके आपके गैलरी में सेव हो जाएगा तो यहाँ पर मैं एक बार फिर से सेंड करूँ फिर से मैंने राइट वाले मोबाइल से लेफ्ट वाले मोबाइल में एक वीडियो को सेंड करूंगा अब देखोगे जो वीडियो जो मैं सेंड करूंगा वो ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगा मेरे लेफ्ट वाले मोबाइल में तो यहाँ पे मैंने एक वीडियो सेंड किया अपने लेफ्ट वाले मोबाइल में अब ये यहाँ पे जो वीडियो है वो ऑटोमेटिकली डाउनलोड भी हो चुका है और ये मेरे गैलरी में भी सेव हो चुका है तो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ यू कैन सी यहाँ पे जो मेरा वीडियो है वो डाउनलोड हो गया सेव हो चुका है मेरे गैलरी में तो इस तरीके से अगर आई प्रॉब्लम आपको आता है तो आप इस तरीके से इसका सोल्यूशन निकाल के इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो सो दिस विल हेल्प इन टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर कुछ भी अगर आपको डाउटिंग क्वेश्चन है आप डायरेक्टली मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो सो थैंक्स फॉर वॉचिंग तो फाइनल आप देखोगे वीडियो यहाँ पे प्ले हो चुका है